हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टैबलो हिंदी। तो गाइस, लास्ट कपल ऑफ वीडियोस में हमने देखा था डेटा सोर्स फिल्टर, डायमेंशन फिल्टर्स। इस वीडियो में हम लोग एक डिफरेंट टाइप का डायमेंशन फिल्टर ही स्टडी करने वाले हैं, जिसको हम कॉन्टेक्स्ट फिल्टर बोलते हैं। उसके लिए हमने सैम्पल सुपर स्टोर डेटा सेट लोड कर लिया है, जहाँ पे हमें मेजर्स एंड डायमेंशन हमें मिल चुके हैं। यहाँ पे सैम्पल सुपर स्टोर का ऑर्डर शीट को हमने यूज किया है। तो जल्दी से क्या करते हैं, सब कैटेगरी को कॉलम्स में शिफ्ट करेंगे, सम ऑफ सेल्स को रोज में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। सॉर्ट करेंगे डिसेंडिंग और एंटायर व्यू देख लेंगे। तो ये हमारे पास टोटल सब कैटेगरीज के सम ऑफ सेल्स का विजुअलाइजेशन आ गया है। तो ये एक, अब इसमें हमने डायमेंशन फिल्टर स्टडी किया है। तो डायमेंशन फिल्टर क्या करता है, इसको डायरेक्टली आप इससे सॉर्ट कर सकते हो, जैसे कि फिल्टर कर सकते हो। जैसे कि मुझे सब कैटेगरी को ही फिल्टर में यूज करना है, और यहाँ पे मुझे टॉप, लेट से बाय फील्ड यूज करके मुझे टॉप 5 सब कैटेगरीज यूज करनी है विथ रेस्पेक्ट टू सम ऑफ सेल्स। तो मेरे पास टॉप 5 सब कैटेगरीज विथ रेस्पेक्ट टू सम ऑफ सेल्स मेरे पास आ चुकी है। अब अगर मुझे ये कंस्ट्रेंट है कि लेट से ये मैं जब भी विजुअलाइजेशन बार या कॉलम चार्ट यूज करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू सब कैटेगरी, मुझे ये 5 ही बार्स दिखाने, बिकॉज मेरा जो एंड यूजर है वो मुझे सारे देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। मुझे ये 5 ही बार्स मुझे उसे दिखाने हर समय, विच इज टॉप 5 बाय सब कैटेगरी। तो अब यहाँ पे इशू ये आ जाती है कि अगर हम कोई और दूसरा फिल्टर यूज करना चाहें, दूसरा डायमेंशन फिल्टर अगर हम यहाँ पे यूज करना चाहें, तो कैसे चलेगा। मतलब अब ये तो टॉप सब कैटेगरीज है, टॉप 5 सब कैटेगरीज सेल्स, सम ऑफ सेल्स के रेस्पेक्ट में। अब अगर कोई मुझे ये बोलता है कि ना मुझे ये तो हर जगह पे है ही है बाय डिफॉल्ट, बट मुझे इसके अलावा मुझे कैटेगरीज को फिल्टर करना है, मुझे लेट से कैटेगरीज में ऑफिस सप्लाईज देखनी है और उसकी टॉप 5 वैल्यूज देखनी है, बट जैसे मैं ये फिल्टर यूज करूंगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि वो जो टॉप 5 सब कैटेगरीज मुझे दिख रही थी पहले, उसमें से जो सब कैटेगरीज ऑफिस सप्लाईज से रिलेटेड है, या जो जो ऑफिस सप्लाईज कैटेगरी से रिलेटेड है, जो सब कैटेगरी, अब मुझे वो दिख रही है फिल्टर आउट होकर। पर मेरा मेन गोल वो नहीं है, मेरा मेन गोल ये है कि मुझे अगर मैंने एक दूसरा फिल्टर लगाया कि मुझे ऑफिस सप्लाईज कैटेगरी या फर्नीचर कैटेगरी का ही मुझे सेल्स देखना है, तो वो भी मुझे टॉप 5 दिखनी चाहिए। मुझे फिल्टर में से फिल्टर होके आई हुई वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे वो भी टॉप 5 वैल्यूज दिखनी चाहिए। मतलब अभी क्या हो रहा है, सबसे पहले ये, क्योंकि दोनों डायमेंशन फिल्टर है तो दोनों का रैंकिंग एक लेवल पे है, तो इसमें एंड क्लॉज के हिसाब से यूज हो रहा है। पहले सब कैटेगरी से फिल्टर किया, एंड कैटेगरी इज इक्वल टू ऑफिस सप्लाई से फिल्टर किया। मुझे अब मुझे एक्चुअली ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि सबसे पहले कैटेगरी ऑफिस सप्लाई से फिल्टर करो और फिर एंड सब कैटेगरी टॉप 5 से फिल्टर करो बाद में। तो उस केस में मुझे क्या करना होगा, तो उसी केस में जब ऐसा सिचुएशन हमारे पास आता है, जब दोनों डायमेंशनल फिल्टर एक लेवल पे हो और मुझे एक का प्रायोरिटी चाहिए, एक फिल्टर को मुझे प्रायोरिटी देनी है, तब मुझे कॉन्टेक्स्ट फिल्टर यूज करना होगा। तो यूज करना बहुत इजी है, ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट करके हम सीधा ऐड टू कॉन्टेक्स्ट पे सिलेक्ट कर देंगे। तो अब मुझे टॉप 5 कैटेगरीज मिल गई, जो कि टॉप 5 सब कैटेगरीज विच रिप्रेजेंट ऑफिस सप्लाईज कैटेगरी मिल गई विथ रेस्पेक्ट टू सम ऑफ सेल्स।
तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले फिल्टर हमारा हो रहा है ऑफिस सप्लाईज, और उस पे फिर टॉप 5 फिल्टर लग रहा है जो कि सब कैटेगरी में। तो ये ध्यान देने वाली बात ये है कि कॉन्टेक्स्ट फिल्टर एंड डायमेंशन फिल्टर्स आर दी सेम, बट कॉन्टेक्स्ट फिल्टर डायमेंशन फिल्टर्स से प्रायोरिटी क्यों उसको मिलती है, जब भी हम दो या दो से ज्यादा डायमेंशन फिल्टर यूज कर रहे हैं पैरेलली, तो मुझे उसमें से कोई एक डायमेंशन फिल्टर को प्रायोरिटी देनी पड़ती है कभी कभी। तो जैसे मैं उसको प्रायोरिटी देता हूँ, वो डायमेंशन फिल्टर कॉन्टेक्स्ट फिल्टर बन जाता है, और कॉन्टेक्स्ट फिल्टर की प्रायोरिटी डायमेंशन फिल्टर से ज्यादा होती है। जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल में देखा कि बाय डिफॉल्ट मुझे अपने एंड यूजर को कभी भी, जब भी मैं सब कैटेगरी और सेल्स का विजुअलाइजेशन दिखाना दिखाना था, मुझे टॉप 5 ही दिखाना था। बट मेरा यूजर ये चाहता है कि अगर मैं ऑफिस सप्लाईज कैटेगरी पे भी देखूं तो मुझे टॉप 5 ही दिखे। वो फिल्टर होकर के टॉप 5 से, उसमें से ऑफिस सप्लाईज का इंफॉर्मेशन नहीं है मुझे। तो उस केस में हमें कैटेगरी फिल्टर को प्रायोरिटी पे डालना पड़ा, और उसके लिए मुझे कॉन्टेक्स्ट फिल्टर यूज करना पड़ा। आई होप दिस कॉन्टेक्स्ट फिल्टर का कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन केस यू लाइक लाइक आवर वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।